नमस्कार, आज हम बात करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन, जो पहला चैप्टर है प्लानिंग स्पोर्ट्स, सॉरी पहला चैप्टर का दूसरा चैप्टर है बैलेंस डाइट। उस बैलेंस डाइट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से आप सुन रहे हैं, बैलेंस डाइट, यानी कि हम पहले जानते हैं कि बैलेंस डाइट है क्या, यानी कि वह आहार जो मनुष्य को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें सभी आवश्यक तत्व मौजूद हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, खनिज, जल आदि, उसी को हम लोग संतुलित आहार, दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यानी ऐसा आहार जो मनुष्य की ऊर्जा से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सके या उसको स्वस्थ रख सके, ऐसा आहार, उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। अब उसमें सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशियंस। यानी कि पोषक का अर्थ क्या हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे लगभग सभी जानते हैं कि भोजन और पोषक एक ही तत्व है, किंतु दोनों में बहुत अंतर है। भोजन क्या करता है, भोजन या आहार जो है वो वह तत्व है, यानी वह पदार्थ है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है या जीवित रह सकता है, किंतु पोषक क्या है, गतिशील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, यानी भोजन और आहार के माध्यम से अपने शरीर को क्या करता है, स्वस्थ रख सकता है, तो वहां वो जीवित रह सकता है। अगर देखो क्या नाम से व्यक्ति एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करता है तो जिंदा तो रहता है किंतु स्वस्थ नहीं रह सकता। किंतु हम न्यूट्रिशियंस यानी पोषक तत्व लेते हैं अगर हम, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अब वो पोषक तत्व मिलेगा कैसे, जिसमें हमको सभी आवश्यक तत्व ऊर्जा के, हमारे ऊर्जा के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हो, यानी प्रोटीन भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, यानी सभी चीज मौजूद हो। अब हम बात यहां करते हैं कि न्यूट्रिशियंस को कितने भागों में बांट दिया गया। न्यूट्रिशियंस को दो भागों में बांट दिया गया। नंबर एक पहला है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो, यानी सूक्ष्म, यानी ये बृहद हो गया और ये सूक्ष्म हो गया। अब हम आज सबसे पहले बात करते हैं बृहद, यानी जो अधिक मात्रा में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, अब हम उसका सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो, यानी बृहद। अब इस बृहद यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में चार चीजें आती है। नंबर एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट्स, चौथा है वाटर। ये चार चीजें आती हैं, आपने देखा भी होगा इन चार चीजों को हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, यानी अधिक मात्रा में इसका हम उपयोग करते हैं या खाते हैं या पीते हैं, तो इसीलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिशंस में रखा गया, यानी कि बृहद न्यूट्रिशंस में अधिक मात्रा में इसको लेते हैं उसमें रखा गया। अब हम उसमें सबसे पहला बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब जैसा कि नाम से ही पता चला है कार्बोहाइड्रेट तीन शब्दों से मिलकर बना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके तीन तत्वों से मिलकर बना है। और लगभग लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात 2:1 में, अर्थात जिस प्रकार से जल होता उसी प्रकार से सभी कार्बोहाइड्रेट में ये 2:1 के अनुपात में होता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम उसमें इस कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांट दिया गया। नंबर एक पहला क्या है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी साधारण कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब हम साधारण की बात करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा माल्टोज,
लैक्टोज, ये सब क्या है? ये सब साधारण कार्बोहाइड्रेट है। अब ये साधारण कार्बोहाइड्रेट क्यों होते हैं? ये क्या होते हैं? ये रवेदार होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। किंतु उसके जस्ट विपरीत जो होता है आपका ये जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसमें आता है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है? ये सब है जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो क्या होते हैं? रवेदार नहीं होते, पानी में घुलनशील नहीं होते और स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। अब ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक जैव यौगिक क्रिया है जो पाचन क्रियाओं के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, पाचन क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये हम बात किया हम लोगों ने कि क्या नाम से कार्बोहाइड्रेट। अब साधारण कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में इनमें अंतर होता है। अंतर किस लिए होता है? उसके रासायनिक संयोजन यानी कि केमिकल कंपोजिशन के कारण उनमें अंतर होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो क्या होता है, उसका रासायनिक जो क्या नाम से केमिकल कंपोजिशन होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के केमिकल कंपोजिशन की अपेक्षा छोटा होता है, उसकी चेंज जो है छोटी होती है। तो ये इनमें अंतर भी होता है। अब हम अगला बात करते हैं, दूसरा है जो प्रोटीन, ये भी तीन कम से कम तीन और इसमें और भी तत्व मिले थे, प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कभी कभी सल्फर नामक तत्वों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन के अणु क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इसीलिए डायरेक्ट रक्त में नहीं मिल पाते। तो ये हमारे पाचन संस्थाओं द्वारा क्या किए जाते हैं? तोड़ दिए जाते हैं, जो अमीनो एसिड में बदल दिए जाते हैं। और ये 23 अमीनो एसिड होते हैं जिनमें 9 अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ये अमीनो एसिड क्या करते हैं? रक्त, मांसपेशियां, नाखून, त्वचा, बालों को क्या करते हैं? निर्माण करने में मदद करते हैं। और दूसरी चीज आपने देखा कि ये प्रोटीन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के आवश्यक पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद भी करते हैं। जल और अम्ल का संयोजन यानी कि क्या संतुलन भी करते हैं। दूसरी चीज, अगर हम अधिक मात्रा में प्रोटीन यानी पशु से संबंधित प्रोटीन लेते हैं तो हमको हार्ट से संबंधित रोग, ठीक, किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी और क्या नाम से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। और वहीं अगर हम इसको कम मात्रा में लेते हैं तो बच्चों में दो रोग हो जाता है, मारास मास क्वासी और कर, क्वासी और कर नामक दो रोग हो जाते हैं, ये बच्चों में हो जाते हैं। तो इसलिए अब हम अगला बात करते हैं, जो तीसरा है वो बात करते हैं हम लोग फैट यानी वसा का। तीसरा जो है फैट यानी वसा, ये भी तीन तत्वों से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। इसका अनुपात होता है 76:12:12 यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये क्या करते हैं? ये हमको गर्मी प्रदान करते हैं, हमारे कोमल अंगों की सुरक्षा भी करते हैं और हार्मोन्स भी उत्पन्न करते हैं। आहार के द्वारा इनको तीन भागों में बांट दिया गया है। नंबर एक सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड और तीसरा है मोनो अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड फैट होता है वो अगर हम उसका अधिक मात्रा लेते हैं तो हमारे हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। और ये सैचुरेटेड फैट्स हम किसके द्वारा ज्यादा उत्पन्न करते हैं जिससे हमारा वो हार्ट संबंधित रोग बढ़ जाता है? जैसे हम फास्ट फूड से संबंधित चीजों का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं तो हम सैचुरेटेड फैट्स को अधिक ले रहे हैं जिससे हमको हार्ट से संबंधित रोग हो सकता है। इसीलिए पॉली या मोनो सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हमारे आहार में फैट जरूरी है किंतु उसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। अधिक मात्रा में तमाम समस्या उत्पन्न हो सकती है, हमारे शरीर में फैट्स भी अधिक हो सकता है। अब चौथा हम बात करते हैं वाटर, पानी। पानी आपको जैसा पहले ही बता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
के अंगों से मिलकर हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बना होता है। पानी एक यौगिक है जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पाचन संस्थाओं में काम करता है और शरीर के विभिन्न उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर के टेम्परेचर को सामान्य रखता है। तो पानी और हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें 90% लगभग पानी ही होता है, किंतु यूनिसेफ जो है उसको कहता है कि ये वाटर जो है बृहद मैक्रोन्यूट्रिशियंस नहीं है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्थान गति के बृहद न्यूट्रिशियंस, क्योंकि हम इसको अधिक मात्रा में लेते हैं इसीलिए क्या नाम से मैक्रोन्यूट्रिशियंस में रखा गया है, यानी बृहद पोषक तत्व में रखा गया है। अगर अब अगला हम लोग बात करेंगे माइक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, अब अगले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। धन्यवाद।